नीमच जिले में पिछले कुछ समय से लगातार निजी स्कूल शिक्षण संस्थाओं की शिकायतें मिल रही थी कि पालकों पर फीस को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ स्कूल तो री एडमिशन के नाम पर अधिक राशि वसूलने की भी खबरें सामने आ रही थी। हमने इस संबंध में नीमच के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बेलबामनिया से भी चर्चा की। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं बेलबामनिया जिला शिक्षा अधिकारी जो प्रभारी हैं उनका क्या कुछ कहना है। देखने में आया कि लॉकडाउन की जो अवधि चल रही थी उसमें समस्त स्कूलों के अवकाश भी घोषित थे। उसके बाद ये भी देखने में आया कि कुछ समय पश्चात ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई, तो क्या ऐसी ऑनलाइन क्लासेसों के लिए जिला शिक्षा विभाग द्वारा कुछ आदेश जारी किए गए थे क्या? देखिए, जिला शिक्षा विभाग द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया, किंतु जो आगे से आयुक्त तो लोक शिक्षण से जो आदेश आया है उसको एंडोर्स करके समस्त संकुल प्राचार्यों के माध्यम से अशासकीय विद्यालयों को अवगत करवा दिया गया कि किस तरीके से ऑनलाइन जो कक्षाएं चल रही है बच्चों के मस्तिष्क पर जो दबाव है उसको कम करने के लिए उसमें निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं निर्देशों के अनुसार वो अपने ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकते हैं। जैसे कोई मान लो किसी को ऑनलाइन होमवर्क दे रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, किंतु जो पहले ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी उस ऑनलाइन अध्यापन को बंद करना था और वो सभी को निर्देश जारी कर दिए। सर, ये निर्देश कब जारी किए थे? ये अभी 5-7 दिन पहले ही इन निर्देशों को सबको अवगत करवा दिया गया है और अभी पुनः स्मरण के लिए भी 2 दिवस पूर्व एक मैसेज कर दिया था कि भाई सभी निर्देशों के अनुरूप आप काम करें। जो भी मध्य प्रदेश शासन और अपने आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उन्हीं निर्देशों के अनुसार आप काम करें। होमवर्क देना ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आता है जी, तो ये इसका मतलब ऑनलाइन क्लासेस नहीं माना जाएगा? ऑनलाइन नहीं माना जाएगा। अच्छा सर, तो इसको लेकर कुछ निजी विद्यालय द्वारा सर कुछ दबाव बनाया जा रहा है और उस अवधि की फीस वसूलने के लिए पालकों को नाम काटने तक की धमकियां मिल रही है, तो ऐसे में सर बहुत स्थिति जिले में शिक्षण शुल्क को लेने के निर्देश हैं, बाकी के किसी भी प्रकार के कोई शुल्क लेने के निर्देश नहीं। अच्छा, अगर ऐसा कोई आता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे सर आप? निश्चय ही, वो तो जो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है उनके द्वारा यदि शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क लेते हैं तो निश्चित है कि वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनको प्रस्ताव बना करके आगे राशि।